ओम शांति। 5 अक्टूबर 2020 बाबा साकार महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान गुण एकांत बसी एवं एपरी अभ्यास कर जेपरी अनुभव हेब जे मु शरीर ठार भिन्न आत्मा अटे याक जीवित थी मरवा कहा जाए। प्रश्न एकांतर अर्थ कौन? एकांत बसी तुम मानक अनुभव करने को उत्तर एकांतर अर्थ हूँ जनकर स्मृति ही शरीर अंत हो अर्थात एकांत बसी एपड़ी अनुभव कर जे मु आत्मा यही शरीर रूपी चमड़ा को छाड़ी बाबा को पाख को जाऊँगी कहीं भी मने न पड़तु बसी बसी अशरीरी हो जाओ जेपरी कि यही शरीर रू मरीगली बास मु एक आत्मा शिव बाबा संतान यही अभ्यास करने द्वारा देह अभिमान तुटी जीव। ओम शांति। पिला मानन को बाबा प्रथमे बुझौचंती जे मीठा मीठा संतान माने जेते बेले एठारे बसुचो निज को आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ आउ कोनोसी आड़ा को बुद्धि जीवा अनुचित एक कथा तुम्हें जानिचो जे आमे आत्मा अटु आमे आत्मा ई शरीर द्वारा अभिनय करुछु आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी तेणु तुमको देही अभिमानी होई बाबा को स्मृति रे रहिबाकु हे आमे आत्मा चाहिले एही कर्मेंद्र द्वारा काम करिबु अथवा न करिबु निजकु शरीरनु अलगा भाव्या दरकार। बाबा कहुचंती निजकु आत्मा बोली भाव देह को भूली जाओ मु आत्मा स्वाधीन अटे मते एकमात्र बाबांको बिना कहाकु मने पकाइबार नाही बंची थाई मध्य समस्त देह अभिमानरु दूरै रहिबाकु हेबो आम आत्मार जोग एकमात्र बाबा सहित रहिबा दरकार कारण तुम्हें तो दुनिया प्रति और घर प्रति मरीगल कहा जाए ना निजे मरीगले दुनिया मरीगला एबे तुमको जी थाउ थाउ मरीबा को हेबो आमे आत्मा शिव बाबा संतान अटु तेणु शरीर अभिमान समाप्त करदे उचित। बाबा कहते निजकु आत्मा भावी मते मने पकाओ शरीर अभिमान छाड़ यह पुरुणा शरीर अटे ना पुरुणा जिनिष को त्याग करा जाई थाए ना तेबे निजकु अशरीरी मने कर एबे तुमको बाबा को मने पकाई पकाई बाबा को पाख को जीवा को हेबो एपरी करू करू तुमर पुणी अभ्यास होई जीवो एबे तो तुमको घर को जीवा को हेबो पुणी एही पुरुणा दुनिया को काहे की मने पकाउच एकांत बसी एही पुरी निज सहित कथबार्ता करिबा उचित। भक्ति मार्ग रे मध्य कोठरी रे बसी माला गड़े पूजा करी थांती तुम्हें मध्य एकांत बसी एही चेष्टा कर तेबे तुमर अभ्यास होइतुको तुमको मुख द्वारा तो किछि कहिबार नाही एथिरे बुद्धि कथा रहिछि शिव बाबा तो सिखाउचंती तांकु तो पुरुषार्थ करिवार नाही एही ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करुचंती मुनि तुम मानंकु मध्य बुझौचंती तेणु जेते संभव एही परी बसी विचार कर एबे आमको घर को जीवा को हेबो एही शरीर को तो एठारे छाड़ीबा को हेबो बाबा को मने पकाइले ही विकर्म विनाश हेबो एवं आयुष मध्य बढ़िबो भीतर एही चिंतन चालीबा उचित मुख द्वारा किछि कहिवार नाही भक्ति मार्ग रे मध्य ब्रह्म तत्व को अथवा कहीं कहीं शिव को मने पकाई थांती किंतु एहा कोनसी यथार्थ योग नुहे बाबांकर परिचय ही नहीं तेबे किपरि मने पकाइबे तुमको एबे बाबांकर परिचय मिलिछि तुमको एबे बाबांकर परिचय मिलिछि सकाळु सकाळु उठि एकांतरे एपरि निज सहित कथा हुओ विचार सागर मंथन कर बाबा को मने पकाओ बाबा मु वर्तमान आपण को सुखदायी कोल को जाऊची ताहे उची आत्मिक कोल तेणु एही पुरि निज सहित कथा हेबा उची वर्तमान बाबा आसी चंती बाबा कल्प कल्प आसी आम को राजजग सिखौ चंती बाबा कहउ चंती मते एवं सृष्टि चक्र को मने पकाओ
तुमको सुदर्शन चक्रधारी हेबा को पड़ो बाबा पाखरे ही चक्रर समस्त ज्ञान रही से पुणी तुमको देमको त्रिकाण दर्शी करोचंती काल अर्थात आदि मध्य अंत को तुम्हें जानिचो बाबा मध्य परम आत्मा अटंती शरीर तो ना वर्तमान यही शरीर बसी तुमको बुझाऊंती आश्चर्यजनक कथा अटे भागीरथ उपरे निश्चय अन्य आत्मा विराजमान होइथिबे एहांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्म अटे नंबर वन पवित्र गुणी नंबर वन पतित होउछंती से निजकु भगवान विष्णु आदि तो कहूनाहांती एठारे जड़े हेले आत्मा पवित्र नाहांती समस्ते पतित अटंती तेणु बाबा संतान मानकु बुझाउछंती एपरि भावरे विचार सागर मंथन कर एतिरे तुमको खुशी मिलिबो एतिरे एकांत मध्य निश्चय आवश्यक जणकर स्मृतिरे रही शरीर अंत हेबाकु एकांत कहा जाए आत्मा चमड़ा शरीर अलग हो जाए सन्यासी मध्य ब्रह्म अथवा तत्वर स्मृतिरे रही से स्मृतिरे रही रही शरीर अभिमान तुटी जाए बास मते ब्रह्मरे लीन हेबाकु पड़िबो एहिपरि निष्ठा रे बसी जानती तपस्या रे बसी बसी शरीर छाड़ी दियंती भक्ति रे तो मनुष्य बहुत धक्का खाई जानती एथिरे धक्का खाइबार कोनसी कथा नहीं बाबांको स्मृति रे ही रहिबाकु हेबो पछकु कहार स्मृति न आसु घर गृहस्थर तो रहिबाकु पड़िबो बाकी समय बाहर करिबाकु हेबो विद्यार्थीकर पाठपढ़ार शौक रही थाए ना यह हूँ पाठपढ़ा निज को आत्मान भाविबा द्वारा पिता शिक्षक गुरु समस्त को भूली जाउचंती एकांत रे बसी एहिपरी विचार कर गृहस्थी घरे तो वातावरण ठीक न थाए जदि अलग प्रबंध अच्छी तेबे गोटी कोठरी रे एकांत रे बसी जाओ माता मानंकु तो दिन रे मध्य समय मिली थाए समय रे पिला माने स्कूल को जाई थांती तेणु जेते समय मिलुची एकांत रे बसी बाबा को मने पकाइबार चेष्टा कर तुमर तो गोटे घर बाबा तो केते ढेर दुकान रही आहुरी ही वृद्धि हो चलो मनुष्य मान धंदार चिंता रही निद मध्य भांगी जाए यह मध्य व्यवसाय अटे ना ये केते बड़ दलाल अटंती केते अदल बदल करुछंती पुरुणा शरीर नहीं नुआ देउछंती समस्त को रास्ता बताउछंती धंदा मध्य करिबाकु हेबो एही व्यवसाय तो बहुत बड़ व्यवसायी को व्यवसाय रे ही ख्यार रही थाए बाबा एही पूरी अभ्यास करी कहउछंती एभली करो जेते तुम्हें बाबा को स्मृति रे रहिबो स्वत ही निद भांगी जीवो रोजगार रे आत्मा को तो बहुत मजा लगी थाए रोजगार पाई मनुष्य रात्रि रे मध्य उजागर रहितांती निजे सारा राति मध्य दुकान खोला रही थाए तुमरो रोजगार मध्य रात्रि रे एवं सकाळे बहुत भल हेबो तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी एवं त्रिकाल दर्शी होच सेतिपाई एक जन्म पाई धन एकत्र करुच मनुष्य सहकार हेबा पाई पुरुषार्थ करिसंती तुम्हें मध्य मने पकाइले तुमरो विकर्म विनाश हेबो एवं बल मध्य मिलिबो जोगर यात्रा न रहिले बहुत क्षति हेबो काहेकि ना मुंड उपरे पापर बोझ बहुत रही जमा करने को जन को ही मन पकाई त्रिकालदर्शी हेबाकु पड़िबो एही अविनाशी धन अधा कल्प पाई एकत्र करिबाकु हेबो यहा तो बहुत मूल्यवान अटे तेणु विचार सागर मंथन करी रत्न बाहर करिबाकु हेबो बाबा निजे विचार सागर मंथन करिबा सहित पिला मानको मध्य युक्ति बताउछंती कहउछंती बाबा मायार बहुत तूफान आसुछि बाबा कहउछंती जेते दूर संभव निजर रोजगार कर एही रोजगार ही कामरे आसीबो एकांत रे बसी बाबा को मने पकाइबाकु हेबो फुर्सत थिले मंदिर आदि रे मध्य बहुत सेवा करि पारि सेतिमे सर्वदा ब्याज पिंधिथिबा दरकार समस्ते बुझिजिबे एमाने हेले आत्मिक सेना तुमे लेखुछ मध्य आमे स्वर्गर स्थापना करुछु आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला एबे नाही।
ଯାହାକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। କୌଣସି ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଟାରୀ ସହିତ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା। ଏହି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୀତାର ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବୁ। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରିକ୍ରମାରେ ଏହି ଚିତ୍ର ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ତୁମେ କହିବ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ମନ ମନା ଭବ। ଏହା ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ନା। ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ, ତେବେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ଲିଟରେଚର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉପହାରରେ ଦିଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ତ ସଦା ଭରପୁର ରହିଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସେବା ହେବ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପ୍ରତିଶତ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ତୀର ଲାଗିବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହି ଅଳ୍ପ କଥା କହିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ ଆବାଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୀତ କବିତା ଆଦି କିଛି ବି ବାବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମନଉଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର କଥା ହିଁ ଅଲଗା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଭଲ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଭରପୁର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କରି କାମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ବାବା ତ ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଜିନିଷ ତୁମ କାମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସୁଧାରୁଛୁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହେବ ଯେ ଶସ୍ୟର କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶସ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତ ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କୁହାଯାଏ ଖୁସି ପରି ଖୋରାକ ନାହିଁ। ଅତିନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ପାଇଁ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି, ଢେର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ବୃକ୍ଷ ବଢିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଏପରି ହେଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପୁଣି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଆସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉପରୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ମହିମାର କଣ କଥା ରହିଛି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କର ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦ୍ଗତିର କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ଚାରାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପୁଣି ତଳେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗଛ ଲଗାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗରେ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଏବେ 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ କରାଇବେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢେଇ ଅଟେ, ଗୀତାର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ
निश्चय रही तुम्हें कह कृष्ण तो नथिले बाबा बुझौंती कृष्ण तो 84 जन्म नहीं जनकर चेहरा अन्य जनक सहित मिसी पारिबो नाही तेबे एठाक पुणी कृष्ण किपरि आसिबे केही मध्य एक कथा उपरे विचार करू नाहंती तुम्हें जानुचो कृष्ण स्वर्गर राजकुमार थिले पुणी से द्वापर रे कुआडु आसिबे एही लक्ष्मी नारायण चित्र को देखिले ही बुझी होय जे शिव बाबा एही संपत्ति देउछंती सत्ययुगर स्थापना बाबा ही करुछंती एही सृष्टि चक्र वृक्ष आदि चित्र कौन कम कि एकदा तुम पाखे चित्र ट्रांसलेट तैयारी हो समस्ते कहे आमर यहीपर चित्र दरकार एही चित्र द्वारा पुणी विहंग मार्ग सेवा हो तुम पाखक एत संतान आसबे जे फुर्सत मिलिबो नाही ढेर आसबे तुमको बहुत खुशी लगे दिन कु दिन तुम फोर्स बढ़ी चलो ड्रामा अनुसार जो मैंने फूल हे अनुभव हे तुमको एपरी कहवा पड़ब ना जे बाबा यहां अनुभव कराओ बाबा कौन अनुभव करांती कि उचित समय रे स्वतः अनुभव हे बाबा तो रास्ता बतेबे ना बहुत माता मान लिखुंजे आम स्वामी को अनुभव कराओ एपरी समस्त को अनुभव कराइबी तेब तो समस्ते स्वर्ग एकत्र पाठ पढ़ा ही परिश्रम रही सत्य कथा बाबा पूर्वर ही बताई देउछंती सब करने चित्र नहीं जीवा पड़ब सीढ़ी चित्र ने पड़ब ड्रामा अनुसार स्थापना तो निश्चित हो बाबा सेवाई जो निर्देश देती ध्यान देवा बाबा कहते भिन्न भिन्न रकम लक्ष लक्ष ब्याज बनाओ ट्रेन टिकेट करी 100 माइल पर्यंत सेवा करी चलो गोटे डबार द्वितीय डबा पुणी तृतीय डबा एभली सेवा करो यह बहुत सहज अटे पिला सेवे सौक रही दरकार अच्छा मीठा मीठा शिखिल दे सतान मान प्रति मा पिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक मात पिता बाप दादांकु मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश प्रथम विचार सागर मंथन करी भल भल रत्न बाहर करिबाकु हेबो रोजगार जमा करिबाकु हेबो सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी हुई सेवा करिबाकु पड़िबो। द्वितीय पाठ पढ़ा प्रति बहुत शौक रहिबाकु हेबो जेते बेले भी समय मिलुछि एकांत को चली जीवा दरकार एपरी अभ्यास हेउ जेपरी जीवित थाई मध्य शरीर मरी जाइछु भली स्थितर अनुभव हेउ देहर स्मृति मध्य भूली होई जाउ आज बरदान भिन्नता को समाप्त करी एकता सृष्टि करुवा सच्चा सेवाधारी पुओ विस्तार ब्राह्मण परिवार रो विशेषता हैला अनेक होइतिले मध्यो एक तुम मानकर एकता द्वारा ही सारा विश्व रे एक धर्म एक राज्य स्थापना होती विशेष भाव ध्यान दे भिन्नता को समाप्त कर एवं एकता सृष्टि कर तेबे कहा सच्चा सेवाधारी सेवाधारी निज पाई नुहे किंतु सेवा पाई थांती निजर सबकि सेवारे सुहा कर दियंती जेपरी साकार बाबा सेवारे निजर हाड़ गोड़ सुहा कर अर्थात शरीर मनधन सबकि संपूर्ण समर्पण कर तुम प्रत्येक कर्मेन्द्र द्वारा सेवा हो स्लोगान परमात्मा स्नेह हजी जाओ तेबे दुखर दुनिया भूली होई जीवो। ओम शांति।